जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। कल एलजी द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर यूटी में 36 घंटे का एक लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। उसका व्यापक असर जो है वो कटरा में भी देखने को मिला। कटरा की जो मार्केट टोटली बंद थी, आप ये विजुअल्स जो देख सकते हैं कि कटरा के उस व्यस्त चौक में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे यात्रियों का और लोकल्स का आना जाना लगातार लगा रहता था और 2400 घंटे ये चौक व्यस्त रहता था। आप ये पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की जो फेमस दुकानें हैं, कटरा बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, ये सारी की सारी दुकानें जो बंद पड़ी हैं। एक और ये सामने कश्मीर रोड जाता है, बिल्कुल खाली पड़ा है। नीचे जम्मू रोड जाता है, ये भी खाली पड़ा है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं यहाँ पे तैनाती कर रहे हैं और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस कर्फ्यू में कोई किसी को परेशानी ना हो उसके लिए ये बिल्कुल यहाँ पे तत्पर है। इक्का दुक्का आदमी ही जिसको कोई जरूरी काम है वही यहाँ पे आ रहा है। इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के कटरा के जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें यात्रा की, तो यात्रा पे इसका कोई असर नहीं है। यात्रा जो करने जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहरी राज्यों से या फिर कहीं से भी जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं देखी यहाँ पे देखी गई। अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा का फुटफॉल जो है बाहरी राज्यों में जो कोरोना के हालात इस वक्त चल रहे हैं उसको मद्देनजर देखते हुए कटरा में जो यात्रा का स्तर है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हालांकि यात्रा को यहाँ पे बंद नहीं किया गया है, जो यात्री यहाँ पे आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए वो जा रहे हैं, पर यात्रा का जो स्तर है, जो ग्राफ है, यात्रा का जो संख्या है वो दिन ब दिन यहाँ पे कम होती नजर आ रही है, जिसका असर भी कटरा के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व्यापारिक संस्थानों पे देखने को मिल रहा है। आज की अगर हम यात्रा की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 679 यात्री ही अभी तक जो है वो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए अभी तक ही कटरा में आ सके हैं। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ और ताजा तरीन जानकारी के लिए। मैं हूँ सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद।